उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भूतिया वायरल वीडियो के पीछे के सच को जल्द ही पुलिस सामने लाकर भूत के सच से पर्दा उठाएगी। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वीडियो की फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है और जल्द ही वीडियो बनाने वाले शरारती तत्व पुलिस के शिकंजे में होंगे। वाराणसी के भूतिया वायरल वीडियो के बारे में वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के काशी जोन के DCP RS गौतम ने बताया कि भेलूपुर थाना क्षेत्र के बजरडीहा इलाके में एक युवक ने चादर ओढ़कर अपना वीडियो बनाकर वायरल किया था। इस संबंध में भेलूपुर थाने में एक केस भी दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि वीडियो बनाने से लेकर वीडियो को वायरल करने तक की विवेचना की जा रही है। इस संबंध में कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है और वीडियो का परीक्षण भी कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि इस संबंध में 3 लड़कों से पूछताछ की गई है। जैसे ही साक्ष्य संकलित हो जाएंगे तो कार्रवाई कर दी जाएगी। मालूम हो कि बीते दिनों वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र के बड़ी गैबी इलाके में स्थित VDA कॉलोनी में सफेद चादर ओढ़े हुए एक साया दिखाई देने वाला वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद से ही न केवल कॉलोनी में बल्कि पूरे वाराणसी में दहशत का माहौल है और पुलिस ने भी इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए संबंधित भेलूपुर थाने में FIR दर्ज किया है।